क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। तो कोडुलर के वेबसाइट पे जाने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ जिससे आप अपने एप्लीकेशन और भी बेहतर और अच्छा बना पाए। नीचे बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर दी तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं आ जाता हूँ कोडुलर के वेबसाइट पे। तो कोडुलर के वेबसाइट पे आप देख सकते हो जैसे कि इधर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और इधर आपको जो कि है ना एक अकाउंट क्रिएट करना है 000webhash.com करके ये वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी होस्टिंग को हम यूज़ करके अपना डेटा जो कि सर्वर पर स्टोर करेगी और जो कि हमारा डेटाबेस क्रिएट करेगी। तो सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको दो फाइल मिलेगी, MySQL AI और एक MySQL PHP की, जो कि डेवलपर 2.0 ने ऑलरेडी इन पर वीडियो बनाया हुआ है और इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है। तो इसमें मैं थोड़ी से बस चेंजेस किया हूँ जो कि मैं आपको और भी अपडेट में बताऊंगा। और डेवलपर 2.0 ने और भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भी समझाया था MySQL को और उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम के ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी और नीचे डायरेक्ट भी मिल जाएगी। तो इसे आप दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, इस दोनों को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको कोडुलर पर इम्पोर्ट कर लेना, तो ये इम्पोर्ट मैं कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये मेरे इधर ये फाइल है, इस फाइल का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इधर मैं रीनेम कर देता हूँ ये जो कि ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसमें फिर से इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हो ये मैंने लिया और उसके बाद में फिर इधर आप देख सकते हो ये मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ ये फाइल इंपोर्ट होने देता हूँ, आपको भी इसी तरह इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद में आप देख सकते हो ये जो कि 000webhost.com पे आपको आना है, उसके बाद में इधर आपको लॉग इन करना, तो लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक या फिर आप डेटा फिल करके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं लॉग इन विद गूगल करूंगा और इसके अंदर जो कि रजिस्टर कर लूंगा। तो आप देख सकते हो जो कि मेरा सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। इधर आप देख सकते हो इस तरह का आएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, बाद में देखो व्हाट अ गोल डू यू विश टू अचीव, तो इसको आप स्किप कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें पूछेगी तो सब चीज़ें आपको स्किप करना है। वेबसाइट नेम ऑप्शनल है, इधर आप कुछ नेम डालना चाहते हो डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे MS Quotes ये मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो चूज अ मेथड टू स्टार्ट बिल्डिंग, तो इधर आप देख सकते हो वर्डप्रेस बिल्ड योर वेबसाइट इजीली और अपलोड योर एग्जिटिंग वेबसाइट, तो इस पर सेलेक्ट करना अपलोड योर एग्जिटिंग वेबसाइट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इधर आपको कोई भी वर्डप्रेस वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है। तो इधर आप देख सकते हो आपका डायरेक्ट फाइल मैनेजर जो कि पब्लिक HTML का ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो मैं इधर वापस से बैक चले जाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो यह आपको एक फ्री में वेबसाइट मिलेगी, इधर आप देख सकते हो ये लिखा रहेगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वाला आपको मिलेगा, इधर आप देख सकते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो मैनेज वेबसाइट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। तो बिल्ड अ वेबसाइट, विक्स और अपलोड ऑन वेबसाइट और जो कि आप देख सकते हो वर्डप्रेस, ये सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इधर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, इधर आप देख सकते हो फाइल मैनेजर है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल करके लिख के आएगा, इस पर आपको क्लिक करना। तो जैसे क्लिक करोगे तो जिस तरह वो फाइल मैनेजर ओपन हुआ था वो ओपन हो जाएगा फिर से। उसके बाद में इधर आपको ये वाली फाइल अपलोड करनी है, ये वाली फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी MySQL.php वाली। तो इधर आप देख सकते हो अभी एक भी फाइल नहीं है, इधर आप देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन रहेगा ऊपर, इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल करके भी आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इधर डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। तो इधर आपने जहाँ भी सेव किया हो इधर आप डायरेक्ट ड्रैग कर लीजिए और उसके बाद में फिर अपलोड कर लीजिए, जो कि ये फाइल का साइज़ 4.3 KB मतलब बहुत कम है। तो ये अपलोडिंग हो रहा है, तो ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में MySQL.php नाम की फाइल है, इसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, हम इसे एडिट करेंगे। एडिट में कुछ डिटेल पूछा जाएगा, वो डिटेल को आपको फिल करना रहेगा। तो इधर आप देख सकते हो DB एड्रेस है, DB यूज़र नेम है, DB पासवर्ड है, DB नेम है। तो ये क्या है, इसके थ्रू हमारा जो भी डेटाबेस रहेगा जो एप्लीकेशन के थ्रू और इसमें सर्वर के थ्रू जो कि एक्सेस हो पाएगा। और तो इधर आप देख सकते हो फाइल मैनेजर पे इधर वापस से आना है। इधर आने के बाद आप देख सकते हो डेटाबेस मैनेजर, इधर आपको क्लिक करना है, इधर एक आपको डेटाबेस क्रिएट करना रहेगा। तो इधर देख सकते हो मैंने एक भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो इधर न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नाम डालना है, तो इधर जैसे कि मैं नाम डालता हूँ MS Code, ये मैंने नाम डाल दिया डेटाबेस का। बाद में फिर डेटाबेस का यूज़र नेम डालना है, तो मैं ये भी डाल देता हूँ MS Code, ये MS Code डाल देता हूँ। बाद में पासवर्ड डालना, तो इधर भी मैं MS Code @123 ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिए क्या क्या डाल रहे हो, तो इसके थ्रू ही हमारा कनेक्शन होगा। तो इधर आप देखते हो तो DB का नाम हमें मिल गया, DB यूज़र नेम मिल गया, DB होस्ट मिल गया और क्रिएटिंग जो कि ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। बाद में फिर हम PHP एडमिन में हमारे डेटाबेस को देख पाएंगे। तो जब तक ये देख सकते हो DB नेम है, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इधर आप देख सकते हो यहाँ कहाँ लिखा हुआ DB नेम, तो आप देख सकते हो इधर DB नेम लिखा हुआ, तो ये दो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये पेस्ट कर देना। इसके बाद में फिर DB यूज़र नेम,
इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ डीबी यूजर नेम यहाँ लिखा हुआ है, तो इधर आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये पेस्ट कर देना है। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में फिर आप देख सकते हो हमारा जो कि एड्रेस क्या है, ये लोकल होस्ट ये हमारा एड्रेस है, तो आप देख सकते हो इस ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा डीबी पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने जो रखा था वो आपको इधर पासवर्ड डाला, तो मैंने MS Code @Thread123 रखा था, तो MS Code @Thread123 ये आपको पासवर्ड इधर डाल देना है। और यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो इधर आप देख सकते हो मैनेज पे क्लिक करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, न्यू पासवर्ड इधर आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं तो देख सकते हो मैंने न्यू पासवर्ड एंटर किया और चेंज पे क्लिक करता हूँ। हमारा आप देख सकते हो जैसे डेटाबेस पासवर्ड चेंज इस तरह का लिख के आ जाएगा, तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये मैंने पासवर्ड इधर डाल दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आपको इस तरह इस फाइल को सेव कर देना है। तो आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली हमारा सेव हो जाएगा, और इसे आपको चेक करना है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो इधर मैं वापिस से लॉग इन करता हूँ, तो इसको आपको देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो वापिस आपको फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आओगे तो इधर आप देख सकते हो अपलोड फाइल करके ऐसे लिखा रहेगा, तो इधर आपको इसे क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हो हमारे जो कि MySQL.php वाली फाइल आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो ये MySQL.php वाली फाइल मिल गई है, इसे एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको एक चीज बता दो, इधर जो कि SQL की की आपको देखने को मिल रही है, इधर सीक्रेट लिखी हुई, तो इधर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। यही की हम हमारे कोडलर के ब्लॉक के अंदर डालेंगे, तो ये अभी फिलहाल तो मैं सीक्रेट ही रहने दे रहा हूँ, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब रियल टाइम पे एप्लीकेशन यूज करोगे तो इसे आप चेंज कर सकते हो, तो ये अभी सीक्रेट है, तो इसे आप ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। बाद में फिर आप देख सकते हो आपको इधर ये MySQL अपनी फाइल रहेगी, ये आपको कॉपी कर लेना है। और इधर एक नोट पैड मैं ओपन करता हूँ, नोट पैड जो कि मैंने पहले आपको बताया था, इधर मैं पेस्ट करता हूँ। इसके बाद में फिर ये जो मेरा फाइल है इधर आप देख सकते हो, ये आपको ये कॉपी लिंक ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में आपको इधर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो ये मैंने पेस्ट किया, और इसके बीच में देख सकते हो ये हमारा /b, और इस पूरे के पूरे लिंक को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करता हूँ, तो इधर पेस्ट करता हूँ, तो इधर देख सकते हो जैसे मैंने पेस्ट किया, तो इधर आप देख सकते हो बैड रिक्वेस्ट। तो इस तरह का आपको लिख के आना चाहिए, हो सके कभी कभार आपका इस तरह कुछ लिख के आएगा, तो काफी यूजर लोग क्या करेंगे ये पूरा का पूरा नाम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देते, तो ऐसे पेस्ट कर देंगे तो इधर आपको एरर देखने को मिलेगा, 404 द एरर द रिक्वेस्ट यूआरएल नॉट फाउंड। तो इस तरह का आएगा, तो मतलब आप गलत यूआरएल डाल रहे हो, तो आपको ये चीज याद रखना है। इधर आपको बस MySQL अपने फाइल का नाम ही डालना है। तो इधर से मैं ये कट करता हूँ और इधर मैं एंटर मारता हूँ, तो बैड रिक्वेस्ट लिख के आपको आएगा। तो ये तो हमारा हो गया, जो कि हमने कनेक्शन करना था ये हमने कनेक्शन कर लिया। और इधर जो कि मुझे लिंक जो चाहिए थी, ये देख सकते हो ये वाली लिंक मुझे मिल गई। अब यही वाली लिंक हम हमारे कोडुलर के अंदर डालेंगे, तो इधर ये आपको हो सके वेबसाइट पे बार बार लॉग आउट हो जाएगा। तो इधर आपको वापस से फाइल के अंदर आने के लिए इधर से आपको क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करके फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है। अब हम आ जाते हैं कोडुलर के वेबसाइट पे, तो इधर आप देख सकते हो जिस तरह आप अपना AI फाइल इंपोर्ट कर दोगे। इंपोर्ट करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो ब्लॉक सेक्शन में आना है। ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद में इधर आप देख सकते हो इधर आपको जो कि है ना, तो आप देख सकते हो इनिशियलाइज ग्लोबल URL जो कि है ना एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है URL नाम का, तो वो URL आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इधर आपको ये URL लिंक डाल देनी है, तो इधर जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में इधर आप देख सकते हो ये कॉपी की, ये अभी जस्ट आपने जब क्रिएट की रहेगी ये पूरी की पूरी इधर आपको पेस्ट कर देनी, ये आपको देख सकते हो ये इस तरह पेस्ट कर देना। और इधर आप देख सकते हो जो कि MySQL की, तो इधर सीक्रेट ही थी जो कि मैंने आपको की बताई थी। इधर मैं इसे एडिट करता हूँ, एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इधर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो इधर ये वाली की आप देख सकते हो ये सीक्रेट है, तो ये सेम टू सेम की आप चेंज कर दो तो इधर वो डाल देनी है। वो बस इतना सा आपको सेटअप कर देना, तो ये AI फाइल के अंदर जो कि AI फाइल आप किसी पर भी अपलोड कर सकते हो। कोडुलर पे हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो टूंकेबल पे वर्क करें या फिर एपी बिल्डर पे वर्क करें, तो इधर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जैसे इधर रिस्पॉन्स कोड लिखा हुआ है, तो एपी बिल्डर पे आपको रिस्पॉन्स कोड दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, तो इधर आपको रेड कलर का क्रॉस मार्क वगैरह कुछ दिखे तो आप इसे क्लिक करके रिस्पॉन्स कोड वाला सिमिलर पे टिक कर देना। तो ये है AI फाइल, इसके अंदर आपको अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि ये वर्क कैसे करती है और इसके अंदर ये काम कैसे होता है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।